आप सभी को मेरा प्रणाम। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मित्रों, आज हम डायबिटीज़ की चर्चा करेंगे और डायबिटीज़ को दूर करने के लिए, डायबिटीज़ को रेमेडिएट करने के लिए एक महान औषधीय ट्री की बात करेंगे। इसको आप विजय सार कहते हैं और हमारे देश में साथियों करीब 12 करोड़ लोग डायबिटीज़ से प्रभावित हैं और हर एज ग्रुप के व्यक्ति डायबिटीज़ से परेशान हैं। इसका कारण बाई बर्थ भी हो सकता है और हमारे बदलते हुए लाइफस्टाइल के कारण भी हो सकता है, या फिर एंटीबायोटिक्स के साइड इफ़ेक्ट के स्वरूप होने वाली बीमारियों और कंप्रोमाइजिंग अवस्था में लीवर के जाने के कारण भी ऐसा हो जाता है। पैनक्रियाज पे पड़ने वाले दुष्प्रभाव और उनसे जनित डायबिटीज़ बहुत कॉमन समस्या है, आज उसकी चर्चा करेंगे। साथियों, ये जो आप ट्री देख रहे हैं ये विजयसार का प्लांट है, टीरोकार्पस मार्सुपियम विजयसार का ये ट्री है। फैबेसी कुल का ये प्लांट है। इसको आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे साथियों? टीरोकार्पस मार्सुपियम को विजयसार कहते हैं और टीरोकार्पस सेंटालिनस को हम लाल चंदन कहते हैं। ये 7 लीफलेट्स आप देख रहे होंगे। इसके पत्र के अंदर 7 लीफलेट होती हैं जो कि विजयसार के अंदर पाए जाते हैं, और ये जो लीफलेट्स हैं लाल चंदन के अंदर थोड़ी सी यहाँ से गोल होती हैं, जबकि विजयसार में 7 होती हैं और ये पत्र इसका थोड़ा सा गोल नहीं होता है। और ट्राईफोलिएट लीव्स लाल चंदन का होता है, विजयसार का ये 7 लीफलेट वाला इसका कंपाउंड इम्पेरिपिनेट लीफ इसके अंदर पाया जाता है। इसके पत्र का पेस्ट बनाकर अगर आप अप्लाई करते हैं तो सभी प्रकार की स्किन डिसऑर्डर्स ठीक होते हैं, कुष्ठ रोग की समस्या हो वो भी ठीक हो जाता है, वाइट पैचेस अगर हो गए हों वो भी ठीक हो जाते हैं। साथियों, मुख्य रूप से उपयोग में आने वाला जो इसका बार्क है, इसकी हार्डवुड है, मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश के पास छत्तीसगढ़ झारखंड में इसका ग्लास बनाकर दिया जाता है, जो नित्य उसमें आप रात को पानी भर दीजिए और सुबह खाली पेट उस पानी को पीना होता है, पित्त का शमन करते हुए डायबिटीज़ को ठीक करता है। साथियों, ज़रूरी नहीं है कि आप अगर मोटे नहीं हैं तो आपको डायबिटीज़ नहीं हो सकता है, पतले व्यक्तियों में अगर डायबिटीज़ हो जाए तो उसके निराकरण के लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन अगर है तो वो विजयसार है। आप इसकी छाल ले लीजिए, छाल को आप 5 ग्राम टुकड़ा लेकर, गुड़ मिल जाए, छाल मिल जाए, आप इसको 5 ग्राम एक गिलास में भिगो दीजिए और सुबह सुबह आप उसको पी लीजिए। आवश्यकता के अनुसार आप 12 घंटे इसको भिगाइए, दिन में 2 बार भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। ये पित्त के शमन करते हुए सभी तरह से डायबिटीज़ को ठीक करने का कार्य करती है, काफ़ी अच्छी इसकी ग्रोथ हो जाती है, आप इसको देख पा रहे होंगे आसानी से। आप इसको आइडेंटिफाई करना ज़रूर जान जाइए, ताकि प्रॉपर आइडेंटिफाई होगा तो आप इसको ले पाएंगे। विजयसार की डिमांड बहुत है मार्केट में, लेकिन ओरिजिनल ना मिलने के कारण हम किसी भी लकड़ी को विजयसार नहीं कह सकते, तो आप इसकी लकड़ी को अच्छे से देख लीजिए ताकि आप इसको यूज़ कर पाएँ। एयर लेयरिंग के माध्यम से इसका प्रोपेगेशन किया जाता है, इसके बीज से भी इसका प्रोपेगेशन किया जाता है, इस शाखा के माध्यम से आप इसका प्रोपेगेशन कर सकते हैं, आसानी से इसका प्रोपेगेशन हो जाता है। हार्मोनल ट्रीटमेंट दे देते हैं तो और भी सहजता से हो जाता है। बीज के माध्यम से भी इसका प्रोपेगेशन किया जाता है। इसके बीज का अगर आप पेस्ट बनाकर लगाते हैं तो सभी प्रकार के जॉइंट पेन की समस्या दूर हो जाती है, आर्थराइटिस में होने वाली ईचिंग, स्वेलिंग, रेडनेस उसको ठीक करने का कार्य करता है इसका बीज। इसकी छाल मुख्य रूप से आप डिकॉक्शन बनाकर उसमें शहद मिलाकर सेवन कर सकते हैं, या फिर आप शीत क्वाथ के रूप में भी इसकी छाल का सेवन कर सकते हैं। आप 12 घंटे उसको जल में भिगो दीजिए और उसके बाद आप उसका सेवन कर लीजिए। भिगोने के लिए आप अच्छा होगा कि आप कांच के गिलास का उपयोग करें। इसके अंदर टेनिन्स पाए जाते हैं जो स्टील या किसी और धातु के बने हुए ग्लास के साथ रिएक्शन कॉज करते हैं, इन्फ्लामेशन को ठीक करने का कार्य करता है। मित्रों, अगर रिंकल्स की समस्या है, चेहरे पे रिंकल्स हैं, इसकी पत्र का पेस्ट आप बनाकर लगा सकते हैं, रिंकल्स को ठीक करता है। ग्रे हेयर्स की समस्या है, बाल सफ़ेद हो गए हैं, समय से पहले पक गए हैं, तो पत्र का पेस्ट बनाकर बालों में लगा दीजिए, आप देखेंगे कि 1 महीने के अंदर ग्रे हेयर्स की समस्या धीरे धीरे दूर होनी स्टार्ट हो जाती है। अगर घाव से रक्त का प्रवाह हो रहा है तो पत्र का डिकॉक्शन बनाकर घाव को धो दीजिए, रक्त का प्रवाह रुक जाता है। किसी कीटनाशक जीव जंतु ने अगर काट लिया है
तो इसका काढ़ा बनाकर घाव को धो देना चाहिए, आसानी से वो समस्या भी दूर हो जाती है। अच्छा ये प्लांट है, मुख्य रूप से डायबिटीज़ में अच्छा कार्य करता है, हमारी इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाने का कार्य करता है, नेचुरल रूप से ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करता है। साथियों ये डायबिटीज़ के अलावा लीवर को जब डिटॉक्सिफाई कर देता है तो कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने का कार्य करता है, आर्टरीज और वेंस की समस्या को दूर करता है, डाइजेस्टिव कंप्लेंट्स को ठीक करता है, लेग्जिटिव का भी ये कार्य करता है, इसकी बार्क का डिकॉक्शन आप ले सकते हैं। अच्छा ये कार्य करते हुए डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स को दूर करते हुए लीवर को डिटॉक्स करने का, पेनक्रियाज को स्टिमुलेट करने का, बीटा सेल्स को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इंसुलिन बनाने के लिए और इंसुलिन जो बन रहा है उसकी सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए इसको हम उपयोग में लाते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, लेग्जिटिव का भी ये कार्य करता है, पाइल्स की समस्या हो उसको भी धीरे धीरे ठीक कर देता है। ओवरऑल मैं कहूँ जनरल बॉडी रेमेडिएटर के रूप में आप इसको जान सकते हैं, आप इसको अपने एयर लेयरिंग और सीड के माध्यम से आप इसको लगा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे देश में डायबिटीज़ के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और इसका समाधान हमारे पास है, लेकिन सही विजय सार ना मिलने के कारण हम डीमोटिवेट हो जाते हैं और मॉडर्न मेडिसिन के अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर कर देते हैं और हमें मॉडर्न मेडिसिन लेनी होती हैं जिनके बाद में लॉन्ग लास्टिंग साइड इफ़ेक्ट काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो ओबेसिटी को भी कम करने का ये प्लांट कार्य करता है, मोटे व्यक्ति हों चाहे पतले हों, जिनमें डायबिटीज़ हो गया हो, सभी प्रकार के सभी एज वर्ग के लोगों के लिए डायबिटीज़ को दूर करने का ये कार्य करता है, वंडरफुल प्लांट है। अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जानकारी को शेयर कीजिए। कल सुबह 6:30 बजे फिर मिलेंगे नए प्लांट के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।